शहर में लूटपाट की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। इस बार लुटेरों ने एक रेड़ी वाले को निशाना बनाते हुए उसकी आंखों में मिर्ची पाउडर डालकर हजारों की नकदी छीनकर फरार हो गए। मामला फतेहाबाद के बीघर रोड का है, जहां लुटेरे रेड़ी चालक की आंखों में मिर्ची पाउडर डालकर लूट की वारदात को अंजाम देकर भागने लगे, तो पास के दुकानदार ने लुटेरों का पीछा कर दोनों को पकड़ लिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच दोनों आरोपियों को अपने साथ थाने ले गई। इतना ही नहीं, जब मीडिया ने शिकायतकर्ता से मामले की जानकारी लेनी चाहिए तो SHO ने तानाशाही रवैया अपनाते हुए शिकायतकर्ता से मिलने से रोक दिया। चला रहा था गलियों में, बेच रहा सौदा, इसने 20 रुपए मेरे से पहले लिए खाए और किसी से फोन किया, कहा कि मैं अभी तेरे को पैसे दे रहा हूँ। फिर जब वो आंटी लेकर छत पर चढ़ गई, इन्होंने रेडी आगे थोड़ी बढ़वाई तो कहा कि अभी मैं रात में पैसे दे रहा हूँ। मसला ये था, मैं घर से आया और ये लड़का आया, एक आंखों में उसकी मिर्ची डली हुई थी, रो रहा था, अभी मेरे पैसे लेके भाग गई और वो चोर भागे जा रहा था। फिर मैंने उसका पीछा करके बाईपास से होके उसको पकड़ के लाए, मेरे ऑफिस में ले आए। फिर इतने में मीडिया वाले आ गए थे, पुलिस को फ़ोन किया, कई देर पुलिस का फ़ोन लगा नहीं, फिर बाद में पुलिस आई, उसके बाद आ गए और पुलिस ले गई। ये दो थे जी, और एक बाकी और भी इसके साथ थी हैं, क्योंकि बाकी वो पैसे ले गए। और उम्र तो इनकी लगभग यही है, 25-26 साल उम्र है, और लगभग 1100 रुपये बरामद हुए इनसे, बाकी लेके भाग गए। हाँ, बाकी अपने साथियों को दे दिए होंगे, या ये कह रहा गिर गए, बाकी कोई इनका साथी है और।